को ऐड कर, तो वाई वन प्लस वाई टू कितना होगा? वाई वन प्लस वाई टू होगा ए साइन थीटा वन प्लस ए साइन थीटा टू, राइट? यार ये इसका कर्सर कर्सर प्लस साइन का आ रहा है क्या तुम्हारे इधर भी? हाँ हाँ इससे सर भी प्लस आ आता रहा है। है। हाँ इसको चेंज कर सर सकते हैं क्या? ऐसे ही रहता है ये? चलो सर ऑप्शन होगा। बाद में देखेंगे इसको, अभी तो आज के लिए भी लेते हैं वरना क्लास का टाइम वेस्ट होगा ऐसे ही, है ना? सर बैकग्राउंड में चाहिए तो कलर बदल सकता है कर्सर। बैकग्राउंड में तो हो जाता है, ये कर्सर की बात कर रहे हैं जो ये प्लस साइन का आ रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है। चलिए साइन सी सर प्लस टू मतलब स्टाइलस, सर वो टॉप लेफ्ट में स्टाइलस का ऑप्शन है ना सर, उसके उससे तो ये बस नीचे वाला जो है ना ये हाइड होता है, बस और कुछ नहीं होता है इससे। ओ। ये तो मैंने चेक कर लिया था पूरा। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, अगर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन सी सर प्लस टू डी बाय टू साइन प्लस डिवाइड साइन सी सी प्लस टू थीटा थीटा वन वन प्लस प्लस थीटा थीटा टू टू बाई डिवाइड बाई बाय टू। टू। हाँ है ना, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू कोस थीटा वन माइनस कॉस थीटा कॉस टू, थीटा वन माइनस कोस थीटा टू थीटा बाई वन टू माइनस थीटा टू बाय बाई टू। टू। बस हो गया ये वाई वन प्लस वाई टू। इसी तरीके से वाई वन माइनस वाई टू हो जाएगा, वो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा ना, वहां पे माइनस होगा यस तो सर। वो सर हो मतलब जाएगा। इसमें सर ऑप्शंस को ही चेक करना पड़ता है ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि मल्टीपल का ऑप्शन से चेक करोगे चेक ना, वाला ऐसे ना। कैसे पता चलेगा? मल्टीपल में तो एक एक ऑप्शन से देखना पड़ता है ना, राइट? ओके सर। सिंगल में सिंगल चॉइस होता है तो हमारा एक आंसर आते ही हम आगे बढ़ जाते हैं, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मल्टीपल चॉइस है तो सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, राइट? आगे चलो, यस सर। चलिए आगे। डाउट कौन सा है? थर्ड वाला भी डाउट था क्या? हाँ थर्ड वाले में क्या डाउट था? सर ये आपने ट्रायंगल वाला सीन तो किया ही होगा ना ऐसे, कि जैसे हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक इसकी ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी, और अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड सी है, तो सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ये? माइनस का टू ए बी कोस थीटा, राइट? ये हाँ सर, ये रूल था। कोसाइन रूल रहता है ना। हाँ ये कोसाइन रूल रहता है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा लिख दिया ना, एक्सरसाइज टू पार्ट वन, एक्सरसाइज टू पार्ट वन क्वेश्चन नंबर थ्री, तो यहाँ यही वाला रूल लगेगा इसके अंदर। अब ए और सी ये दोनों आसपास, ये अगर ये 120 डिग्री है और ये बोल रहा है कि ये दोनों एंगल थीटा है, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू बराबर होगी। इसको भी ये मान लेता हूँ, हाँ सर। सी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, क्योंकि अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो ये ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बच जाएगा, माइनस टू ए स्क्वेयर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 है, और सी स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वेयर, राइट? बात और क्या रहे यार, सर ठीक है। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ये ट्रायंगल रूल है ना बेटा, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि जैसे पाइथागोरस होती है, पाइथागोरस में तो क्या होता है कि एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर ये 90 नहीं हो, कुछ और एंगल और थीटा 90 के बजाय, तो ये वाला फॉर्मूला होता है कोई और थीटा के लिए, ठीक है ना? सर वो ए थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे है? हाँ क्योंकि बी इज इक्वल टू ए हो गया, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है ना, गिवन क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू थीटा दे रखा है, देखिए आप थीटा इक्वल टू थीटा दे रखा है, सर तो आई उसके सो आमने सामने की प्रेजेंट साइड भी तो यस बराबर सर। हो जाएगी, बस उसने इस तरह का फिगर बना दिया, हमने इस तरह का फिगर बना दिया, एक ही तो बात है, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ जी आगे चलें। चलिए यस सर। यस सर। और कुछ सर आगे, सेवेंथ वाला।
सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाले में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, राइट, प्लस साइन एक्स। हाँ सर, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है तो आएगा dy बाई डी एक्स। तो पहले ln का करेंगे तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, राइट। हाँ सर, ये हो गया बेटा इसका डिफरेंशिएशन, वो डाउट है। हाँ सर, फिर सेकंड, सर फिर सेकंड भी निकालना है ना, सेकंड भी निकालना है क्या, सेकंड भी निकालना है तो पहले इसको कट कर देते हैं, तो ये आ गया 2 बाई एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, प्लस कॉस एक्स, तो ये डी टू बाई डबल डिफरेंशिएशन करना है, अब डी टू वाई बाई डी एक्स को ये डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का होगा माइनस का 1 बाई एक्स, कोस एक्स का होगा माइनस का कॉस स्क्वायर का माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। और कौन सा डाउट है बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट है, 1 to 10? नो सर, 11 to 15 तो वाले में, 11 टू 15 में, 15 15 से पहले कोई डाउट है क्या, 15 देखिए, 15 में क्या कह रखा है, u इज इक्वल टू 2r माइनस r स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 ये दे रखा है, राइट, आया ना, और dq बाय dr निकालना है। सबसे पहले पावर सोल्व करेंगे, अंदर वाला फंक्शन एजेटिव रखेंगे, 2r माइनस r स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा, सही बात है, गलत बात, माइनस 1। अब अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो 2r का 2 हो जाएगा और माइनस का r स्क्वायर का 2r हो जाएगा, राइट, समझ में आ रही है बात। हाँ सर, सर 8th वाला कैसे करना है, कौन सा एर्थ वाला, एट वाला, एर्थ वाले में क्या दे रखा है, सर इसमें नीचे 15th वाले में लिखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो 15th का ये क्या, ये वाला नहीं, 15th में इसमें क्वेश्चंस में नीचे लिखा है ये फाइंड डी क्यू बाई डी आर के नीचे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ये नीचे वाले क्वेश्चंस के लिए है, 16th वाले के लिए। अच्छा ओके सर, ठीक है, 16th वाले के लिए क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ये बेटा दे रखा है y इज इक्वल टू x की पावर 1/7, इसको ढंग से देखोगे ना, ये y इज इक्वल टू x की पावर 1/7 दे रखा है, राइट, और उसके बाद दे रखा है कहाँ गया है, ये रहा, हाँ, प्लस 10x, प्लस 10x, तो बस y इज इक्वल टू x की पावर 1/7 का क्या होगा, 1/7 आगे आ जाएगा, ठीक है सर, 1/7, 1/7, 1/7 एक्स की पावर 1/7 माइनस माइनस सिक्स, माइनस का सिक्स बाय, माइनस सिक्स बाय सेवन, सेकंड प्लस सिक्स स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स 10, ठीक है ना बेटा। हाँ सर, हाँ सर, और कौन सा डाउट बताइए, हाँ बोलिए सर, वो एल एन एक्स स्क्वायर का एल एन एक्स इंटू एक्स ऐसा होएगा क्या, ln x square में क्या है ना कि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसको मैं अलग से करवा देता हूँ, देखिए ln of x square, तो हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है ना, एक ln और इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है x square, तो सबसे पहले ln का करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जनरली अपन करते हैं, तो 1/x होता है, 1/x, तो अंदर जो भी चीज है इसके वो 1/ में आ जाएगी, ln का डिफरेंशिएशन किए तो अंदर जो भी चीज है वो 1/ में आ गई, राइट, लेकिन अपन अंदर वाली चीज को चेंज नहीं किया, वो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही पड़ा, राइट, समझे क्या, अब अपन एक्स स्क्वायर का डिफरेंस मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2x हो जाएगा, एलन एक्स स्क्वायर का जो ओवरऑल डिफरेंशिएशन बना वो ये बना, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन 2/x हुआ, समझ में आ रही है बात, के देख, हां सर, और कोई डाउट है सर, ये वापस रिपीट कीजिए ना जो अभी बोला, कौन सा
LNX जो अभी बोला LNX का, हाँ यार इसमें क्या फर्क करने वाला, देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ln ऑफ x स्क्वायर है ये, इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसको अपन x स्क्वायर को u मान लो, जैसे y इज इक्वल टू ये x स्क्वायर को u मान लो, आप क्या करोगे y इज इक्वल टू ln u, एंड u किसको माना है, u माना है अपने x स्क्वायर को, अपने को फाइनली निकालना क्या है dy by dx निकालना है ना, dy by dx निकालना है, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं dy by dx, वो कितना आएगा 1 by u आएगा, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं du by dx, वो कितना आएगा 2x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 by u into 2x, u किस कौन था x square, तो 1 by x square into 2x, हाँ सर चेन सर अकॉर्डिंग टू चेन रूल यही हो रहा है, हाँ चेन रूल से ये जो अपन कर रहे हैं ना ये डायरेक्ट कर रहे हैं ना, बस ये तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ कि बार बार आप इतना ना लिखो, लेकिन एक्चुअली एक्चुअल मेथड तो यही है ना इसका, हाँ सर क्योंकि हमारा पेपर जो आएगा वो ऑप्शनल आएगा, तो हमें जितना हो सके शॉर्टकट से जाना चाहिए, ठीक है ना सर, 19th वाला बता दीजिए ना, तो इसको है ना सीधा सीधा ऐसे किया करो सर, 18th भी क्या करो सर, 18th वाले में डाउट है, हाँ बताता हूँ, इसको सीधा सीधा ऐसे किया करो, dy by dx करना है ना, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का अंदर वाले को एज इट इज, तो 1 by x square फिर अंदर वाले का, ठीक है सर, जो टूल्स है नीचे टूल बार है उसमें आपने एरो बटन सिलेक्ट करके देखा है, उससे शायद कर्सर बदल सकता है, क्या होगा सर, कुछ लिखा थोड़ी जाता है ये तो सिलेक्ट करने का है, अच्छा सर अच्छा चले आगे, क्वेश्चन नंबर 18 बताना था राइट, हाँ हाँ सर, इफ x प्लस y इज इक्वल टू 60 then find the maximum value of xy, maximum value of xy निकालनी है, तो maximum minimum की बात होगी ना एक हिसाब से, तो xy की maximum value है, what will be the maximum value of xy, तो मैं काम करता हूँ, मैं एक function ही मान लेता हूँ कि z is equal to xy है, right? आया ना, तो अगर maximum value of xy बतानी है तो एक हिसाब से मेरे को ये बताना है कि z की maximum value क्या होगी, सर सीधा सीधा ये नहीं ले सकते क्या कि 50 हो गया और y 30 हो गया, वो तो चलो फिर आपको फाइनली याद करा दूंगा, लेकिन आज ही आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप ये बोलो सर ऐसा क्यों नहीं लिया आपने x को 20 और y को 40, सर क्योंकि दोनों को मैक्सिमम लेना है ना, हाँ तो वो अपन को डायरेक्ट कैसे आएगा, ये मन में स्ट्राइक करे तो ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कोई और हो 30.5 × 29.5, ये चेक करो फिर 29.9 × 31.1, ये चेक करो समझे, हाँ सर मतलब मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, एक बार आपको डेरिवेशन करवाने के बाद बता सकता हूँ ये बात कि हाँ इसको आप डायरेक्ट, आगे से कभी आए तो डायरेक्ट कर लेना, लेकिन अभी तो एक बार बताना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों, राइट हाँ, तो अपने को जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, जेड दो चीजों का फंक्शन है हमारे पास एक्स और वाई, तो अपन कोई भी फंक्शन की मैक्सिमा निकालते हैं y equal to f of x, इसका मैक्सिमा निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं सर, डबल डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएट करते हैं इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यहां से इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, हां सर फिर सॉल्यूशन को डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं राइट, कि किसके ऊपर ये डबल इसका नेगेटिव है वहां पे मैक्सिमा आएगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें, z को y के रिस्पेक्ट में करें या x के रिस्पेक्ट में करें, बिकॉज z के अंदर तो दो वेरिएबल है, इसलिए इन्होंने हमें रिलेशन दे रखा है कि पहले आप इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, तो y को लिख दो 60 - x, राइट, इन्होंने दे रखा है कि x और y आपस में कैसे रिलेटेड है, कि दोनों का सम हमेशा 60 रहेगा, राइट, हाँ सर, तो अब आपका z जो है वो एक ही वेरिएबल में फंक्शन बन गया, सही बात है, हाँ सर, तो dz by dx किसके बराबर है, तभी कि x के, हाँ x के से डिफरेंशिएट, ये 60x 60 हो गया माइनस x स्क्वायर का x हो गया राइट, अच्छा हाँ 2x, हाँ
तो अब इस डिफरेंशिएशन को अपन इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो 2x की वैल्यू 60 आ जाएगी, x की वैल्यू 30 आ जाएगी, राइट। अब x की वैल्यू 30 आ गई, अब आप डबल डिफरेंशिएशन करके चाहो तो चेक कर सकते हो। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये x पे डिपेंडिंग नहीं आएगा, ये माइनस टू आ जाएगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव है। सही बात है, गलत बात? हाँ सर, तो मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, जो भी वैल्यू आई है वो मैक्सिमम की वैल्यू है। हाँ है ना? हाँ सर। तब की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 30 पुट कर दो, 30 इनटू 60 माइनस 30 13 हाँ सर, सर 30 आ गया 900, तो ये जेड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट। तो बात ये कि कोई दो फंक्शन, दो वैल्यू का प्रोडक्ट, कोई दो वैल्यू का प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम तब होता है जब वो दोनों वैल्यू, जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम। हाँ सर, और लेकिन उनका सम इक्वल, उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर अपन ऐसी कोई दो वैल्यू ले रहे हैं जिनका सम हमेशा कांस्टेंट है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब वो दोनों, मतलब x is equal to y is equal to 60 by 2, राइट, हाफ हाफ हो। हाँ सर, तब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, राइट। आज के बाद ये बात ध्यान रखना। हाँ सर, ठीक है बेटा। हाँ सर, अगर ये 60 वेरिएबल रहता है, मतलब कोई फंक्शन रहता है, तो फिर इसको डिफरेंशिएशन करके करना पड़ता ना, तब तो कैसे बोल सकते हैं। हाँ सर, फिर तो कोई मैक्सिमम, फिर भी तो मैक्सिमा निकाल ही सकते हैं ना सर। नहीं, अगर आपको ऐसे बोलता है कि x plus y is equal to a है, अब a आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, ये अगर कांस्टेंट नहीं सर, ऐसा कोई फंक्शन नहीं रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू a square by 4 हो जाएगा, सीधी सीधी बात ही है। अगर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो। हाँ सर, ठीक है, समझ में आएगी सभी को? हाँ सर, चलिए आगे बताइए, और कोई डाउट है सर? 19th वाला, 19th वाले में कितने बच्चों को डाउट है, हैंड रेज कीजिए। जल्दी कीजिए भाई, टाइम मत लगाइए। जिनको डाउट है, इसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है ना जूम में, चलिए। काफी सारे बच्चों को डाउट है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। स्क्वायर सीट, तो मैं पहले एक सीट ले लेता हूँ, चलिए हाथ नीचे कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मैंने सीट ले ली। इस सीट का जो स्क्वायर सीट लेनी है ना, हाँ सर, सॉरी सर, स्क्वायर शीट नहीं लिखा है, बस लिखा है शीट विद एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर, जिसका जिसका टैंक बनाएंगे तो स्क्वायर बेस आएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा बोला है, ए शीट विद द एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर। तो अपने काम करते हैं, अपने एक शीट ले लेते हैं, ये एक शीट ले ली बेटा अपन ने, इसको इसका एरिया ले लिया 40 मीटर स्क्वायर, राइट। हाँ सर, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया 40 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको काट पीट किया, तो ये इसका पूरा एरिया हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर है। इसको काट पीट करके हमने एक ऐसा मटेरियल तैयार किया, जिसका एक टैंक बनाया अपन ने, जिसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप में है, राइट, और उसका कुछ हाइट है। हाँ सर, लाइक दिस, ठीक है बेटा, इस तरीके से कुछ हाइट है उसका, ये। और ये एक ओपन टैंक है, मतलब ऊपर इसके कुछ नहीं है, राइट। तो बेस स्क्वायर है, तो मान लेते हैं कि बेस का साइड जो है वो ए है, दोनों साइड ए होगा, क्योंकि ए बाय ए,
और हाइट इसने बोला नहीं है कि स्क्वायर बेस की साइड के बराबर है, तो हाइट मैं इसको डिफरेंट मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ, राइट, हाइट डिफरेंट। हाँ सर। अब हमने यही सीट पूरी की पूरी इसमें लगा दी, मतलब इसकी चार दीवारें बनाई है हमने, ठीक है बेटा। हाँ सर। यस सर। एक नीचे इसका स्क्वायर बेस बनाया, ऊपर से ओपन है तो ऊपर कुछ नहीं लगाया, तो पूरी की पूरी सीट इसी में लगा दी, तो जितना इस सीट का एरिया था उतना ही एरिया इन चारों दीवारों प्लस इसके बेस का होगा, सही बात है। यस सर। हाँ सर। ये चार दीवार होगी है ना, एक ये वाली इस तरीके से इन चारों दीवारों का एरिया होगा। अब एक दीवार का एरिया कितना होगा बता सकते हो आप? L into A, H into A, right? हाँ सर। H सर, okay सर। A into H, एक दीवार का एरिया, तो चार दीवार का एरिया कितना होगा? 4AH. 4AH. A square. Plus A square. और ऊपर का एक माइनस A square होगा। ऊपर तो है ही नहीं ना कुछ, अपने इस नहीं ऊपर तो कुछ है नहीं। हाँ सर। चार दीवार प्लस बेस, इतना ही इतने में ही यूज किया इस पूरी सीट को ऐसे तोड़ मरोड़ करके, राइट? क्या कह रहे हो, कुछ और क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर वो कह रहा कि a स्क्वायर किस लिए लिया, क्योंकि नीचे बेस जो है वो a स्क्वायर है ना, उसमें भी तो मटेरियल लगा है ना नीचे वाले बेस में भी तो। यस सर। ये बेस का जो एरिया है वो a स्क्वायर है, चारों दीवारों का एरिया a into h है, तो 4 टाइम्स a into h हो गया, this is equal to 40, right? Sir, वो container open है इसलिए 2S पर नहीं लिए ना, बस bottom वाला area लिए। हाँ हाँ, केवल bottom वाला लिया इसीलिए केवल, right? ठीक है? हाँ सर। तो ये आ गया। अब अपने को बोल रहा है कि इसका volume maximum होना चाहिए, तो यहाँ से हमने relation drive कर लिया कि A और H में क्या relation, ठीक है बेटा? हाँ सर। बोला है कि इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इनटू हाइट। हाँ सर। ए स्क्वायर एच। अब ये बोला है कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब डीवी बाय समथिंग करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा डीवी का, अब ए के रिस्पेक्ट में करूं या एच के रिस्पेक्ट में, कंफ्यूजन हो गया, इसलिए पहले मैं किसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना? लेट अस सपोज एच को ए में ले, ठीक है ना, h को a में ले आता हूं, because finally मेरे को a square तो निकालना है, dimension of base निकालनी है, a ही निकालना है, तो यहां से h की value हो जाएगी 40 minus a square upon में 4a, right? तो volume हो जाएगा, yes sir, a square into 40 minus a square divided by 4a, तकलीफ है? a से cancel हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40a minus a cube by 10a minus a cube by 4, right? ये वॉल्यूम होगा। हाँ सर। अब यहाँ पे अपन dv by da कर सकते हैं। dv by हाँ सर। तो ये कितना आएगा? 10 minus सर 10 minus 3a square सर by 4 थोड़ी बचेगा। नहीं division में ना। अच्छा हाँ। हाँ वो तो डिवीजन में है ना बेटा, बाय फोर, तो एक क्यूब बाय फोर है ना, वो ये फोर दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, इसके साथ किया तो ये टेन हो गया, उसके साथ हाँ सर समझ गया, तो ये हो गया थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, ये हो गया एक क्यूब बाय फोर का डिफरेंशिएशन, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो अपन हमारे पास आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40/3, राइट? समझ में आ रही है बात? तो एक साइड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 40/3, और हमें यही बताना था कि स्क्वायर बेस की डायमेंशन क्या है, तो स्क्वायर बेस जो है वो अंडर रूट 40/3 के बराबर, उसकी एक लेंथ। सर लेकिन इसमें इन्होंने ये भी बोला था कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ बोला ना इन्होंने कि स्क्वायर बेस की क्या डायमेंशन होनी चाहिए ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए तो अपने ये किया dv / da को इक्वल टू जीरो। अच्छा सर। और किस लिए किया है अपन ये काम? कि v की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, तो v की मैक्सिमम वैल्यू आने के लिए a स्क्वायर की वैल्यू ये होनी चाहिए,
सही बात है गलत बात, तब वी मैक्सिमम होगा और फिर ए की वैल्यू ये होनी चाहिए तब वी मैक्सिमम होगा। इन्होंने अपने से यही पूछा था कि ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि वी मैक्सिमम हो, राइट? हाँ सर, हाँ सर, सही बच्चों को समझ में आया? हाँ सर, आगे चलो। हाँ सर, चलिए आगे है हमारे पास, ये डिस्कशन हो गया कंप्लीट है ना, अभी पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? सर आपने, सर आप क्वेश्चंस करा रहे थे सर आपने, सर हाँ क्वेश्चंस कराया था। हाँ सर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, बलून उठा, फिर पुलिस का चेज और वो सब लेके क्वेश्चंस, डेट ऑफ चेंज क्या होगा। हाँ सर आपने फिजिक्स के एग्जांपल लेके क्वेश्चन कराए, सर आपने इंप्लाइड डेरिवेटिव्स के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए थे। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास सामने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए थे, उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था ये बता दीजिए मुझे। सर चोर पुलिस वाला, वो चोर वाला, चोर पुलिस वाला था, चोर पुलिस वाला था। ओके सर, एक बलून वाला भी किया था। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन, राइट? ओके सर, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स में हमारे पास जैसे हर ऑपरेशन का एक इनवर्स ऑपरेशन होता है ना, एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या है? सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, सर मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, ट्रिगोनोमेट्री की इनवर्स, पावर, पावर का स्क्वायर, पावर का लॉगरिथमिक, पावर का लॉगरिथमिक है वैसे ही बोल सकते हो आप, है ना? स्क्वायर कर रहे हो तो उसका स्क्वायर रूट है, क्यूब कर रहे हो तो उसका क्यूब रूट है, राइट? लाइक दैट, यस सर। हां सर, हां सर, तो उसी तरीके से डिफरेंशिएशन का इन ट्रिगोनोमेट्री का भी है इनवर्स ट्रिगो, ठीक है ना? हाँ सर, वो ट्वेल्थ में रहता ना सर। हाँ वो अगले साल जाएगा, जब अपन बोलते हैं ना कोस इनवर्स, ऐसा बोलते हैं ना कोस इनवर्स 1/2 इज थीटा, हाँ सर, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होगी, ठीक है? अब हमारे पास इसी तरीके से डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डिफरेंशिएशन, और इसका भी एक इनवर्स ऑपरेशन है, वो है इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है बात? इंटीग्रेशन इज व्हाट? हां सर, इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स ऑपरेशन ऑफ, समझ में आ रही है बात? हां सर, मतलब जैसे हम कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास एफ डेस एक्स आता है, तो इसी एफ डेस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। समझ में आया बेटा सभी को? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तकलीफ है? नहीं सर, नहीं सर, मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा करना, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वो क्वेश्चन क्वेश्चन वाला फंक्शन ही मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, मतलब किसी फंक्शन, सर मतलब अगर किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर तो वो फंक्शन ही आ जाता है वापस। हाँ, वापस वो फंक्शन ही आ जाता है, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब बात ये है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन एक्चुअली कर क्या रहे हैं,
ठीक है, इंटीग्रेशन में अपन कॉन्टिन्यूस समेशन करते हैं, ठीक है ना, जैसे डिफरेंशिएशन में अपन रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ना। हाँ सर, फंक्शन को टाइम कोई जगह पे कितना चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम करते हैं कॉन्टिन्यूस समेशन। समेशन मतलब ऐड करना है ना, समेशन का साइन देखा है सर, कोई फंक्शन को ऐड करना, कोई वैल्यू को ऐड करना। कॉन्टिन्यूस समेशन, कॉन्टिन्यूस भी आप जानते हो लगातार ऐड करना, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली ऐड करना। एक तो डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्क्रीट होता है मतलब हमारे पास बहुत सारी बॉल पड़ी है, इन बॉल्स को ऐड करना, 1 2 3 4 5 6 7, ये डिस्क्रीट समेशन हो गया, है ना। कॉन्टिन्यूस मतलब जैसे एक नल में से पानी आ रहा है ना, और ये पानी कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, और आपको इसमें पानी की बूंदों को ऐड करना। हम जनरली नहीं कर पाते कि हाउ मेनी ड्रॉप्स आर कमिंग, तो वो ड्रॉप्स एकदम चिपकी हुई है, सही बात है गलत बात? हाँ सर, हाँ वो कॉन्टिन्यूस फ्लो है, कॉन्टिन्यूस फ्लो है, तो उसमें ड्रॉप कॉन्टिन्यूसली आ रही है, उनको ऐड करना। समझ में आ रही है बात? अब उनको ऐड कैसे करते हैं, अपन जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, नॉर्मली अपन देख के कैसे कर देंगे, हम ड्रॉप को अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो ऐड कैसे कर देंगे हम? नॉर्मली एक इंसान जो है वो ऐड करता है, जैसे गिनता है तो वो डिस्क्रीट एडिशन करता है, आया ना। तो इंटीग्रेशन सेपरेट एलिमेंट है, इंटीग्रेशन अपन कॉन्टिन्यूस समेशन के लिए यूज करते हैं, और इंटीग्रेशन अपने को क्या देता है, इट गिव्स द एरिया अंडर ए कर्व, गिव्स एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना, अभी बताऊंगा कैसे। चलिए लेट अस सपोज अपन कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन, और ये बैकग्राउंड ब्लैक रखो, ब्लैक करो, जो ब्लैक में थोड़ी आंखें दर्द नहीं होती है ना, काफी देर तक बैठे रहेंगे। तो इसमें क्या कि y is equal to f of x कोई फंक्शन है, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो अब मैं सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ये होगी x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस, मान लेते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो इस तरीके से आ रहा है। जनरली मैं सारे ग्राफ ऐसे ही बनाता हूँ जब भी एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है ना, y इक्वल टू f ऑफ x का कर्व आ रहा है, मतलब हर x के ऊपर y की वैल्यू दिख रही है अपने को इसमें, ठीक है ना, अलग अलग x पे। और हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, मतलब हम निकाल रहे हैं इसके अंडर का एरिया। तो हमें सबको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, हाँ सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाँ सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं, लेट अस सपोज अपन इसके अंडर का एरिया निकाल लें यहाँ तक। तो ये इंटीग्रेशन जो अपने को दिया था ना, वो आपने न्यूटन भाई साहब का नाम सुना होगा, सुना है? हाँ, उन्होंने ही इंटीग्रेशन के बारे में बताया था दुनिया को, ठीक है। मैक्सिमम जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है ना, वो फिजिसिस्ट्स ने ही ड्राइव किए हैं, क्योंकि उनको जरूरत पड़ी। तो जैसे एडवांस मैथ्स की जरूरत फिजिक्स में, क्या कह रहे हो, एडवांस मैथ्स की जरूरत फिजिक्स में पड़ती है? हाँ पड़ती रहती है, पढ़ती रहती है बेटा, अपन अच्छे हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें सब जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको इसके अंदर का एरिया निकालना है। अब ये रेक्टेंगल तो है नहीं, जैसे इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल लेता मैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कर्व इस तरीके से होता, एक स्ट्रेट लाइन होता, और मेरे को बोल दिया जाता कि इसके अंदर इसके नीचे का एरिया निकालो, तो मैं क्या मानता कि मैं मान लेता हूँ कि बहुत सारे रेक्टेंगल से मिलके बना है, सही बात है?
हाँ सर। और मैं कोई एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता और फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल से मल्टीप्लाई कर देता, सही बात है। हाँ सर। हाँ सर। इस सेंटर में अगर बहुत सारे रेक्टेंगल मानूं तो सभी रेक्टेंगल की लेंथ डिफरेंट है, विड्थ तो चलो मैं सेम ले सकता हूँ, सही बात। हाँ सर। हाँ सर, लेंथ भी डिफरेंट आ रही है, उसके ऊपर से भी थोड़ा एरिया बच रहा है। हाँ सर, गैप भी रहता है। गैप भी रहता है। और उसने, न्यूटन ने बोला कि आप क्या करो, आप एक काम करो, सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, जितने भी इसके अंदर रेक्टेंगल है ना उन सब का एरिया निकाल दो, ये बात बोल दी उसने। तो हमने बोला कि चलो ठीक है निकाल लेंगे। तो उसने बोला कि जैसे लेट अस सपोज मैं यहाँ से एक्स दूरी पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, जो फर्स्ट ब्लू रेक्टेंगल है ना उसको लिया है मैंने, फर्स्ट ब्लू रेक्टेंगल को, इस रेक्टेंगल को लेता हूँ और यहाँ पे जो ये विड्थ है इस विड्थ को ले लेता हूँ डी एक्स। समझ में आ रही है बात? ओके सर। इस विड्थ को डी एक्स। हाँ सर, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल उसका विड्थ आएगा ना। हाँ हाँ, तो अगर ये वाला पॉइंट x इक्वल टू x है तो अगला पॉइंट क्या होगा? x प्लस dx होगा सर। x प्लस dx होगा, सही बात है। अच्छा, x इक्वल टू x पे इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? अपने इसमें x की वैल्यू पुट डालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, सही बात है गलत बात? हाँ सर। फंक्शन की वैल्यू आ गई सर हमारे पास इस पॉइंट पे, जो y की वैल्यू है वो f ऑफ x के बराबर है, राइट। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा? ठीक है ना, तो उसमें हम अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास, छोटा सा एरिया आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सही बात है। अब न्यूटन ने ये बोला कि एक काम करो, ऐसे कितने रेक्टेंगल है? हमने बोला बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल लिए हैं हमने, बहुत ही पतली पतली विड्थ पे, तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल। उसने बोला सभी रेक्टेंगल का जोड़ कर दो, सभी रेक्टेंगल के ऐसे एरियाज का सम कर दो। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे एरिया का सम कर दो तो आपका इस कर्व के अंडर का एरिया आ जाएगा, न्यूटन ने ये बात बोल दी। सर, थोड़ी जगह बाकी रहेगी इसका क्या? हाँ, अभी फिर सबने ये आपत्ति उठा ली। सबने क्या मतलब, हम लोगों ने, कोई भी इंसान देखे वो बोलेगा देख यार पागल मत हो ना, हमें जो हमने एरिया निकाला है ना और जो एक्चुअली इसके अंडर का एरिया है वो सेम नहीं है, इसमें डिफरेंस है। तो एक्चुअली एरिया है वो इससे ज्यादा होगा, जो हमने निकाला है उससे थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब आपने जो हमें रिजल्ट दिया ना उसमें एरर है। हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे बहुत, हाँ सर। तो न्यूटन ने बोला एक काम करो, ठीक है, आप एक काम करो, एक कांस्टेंट डाल दो। नहीं, उसने बोला कि आप इस रेक्टेंगल को बहुत ही पतला कर दो, जैसे अपन इस रेक्टेंगल को अगर बहुत ही पतला कर देंगे, इसे और पतला करेंगे तो और कम जगह बचेगी, सही बात है गलत बात? हाँ सर। जितना पतला रेक्टेंगल रहेगा उतना कम एरर रहेगा। हाँ, उतना ही कम एरर आएगा, सही बात है गलत बात? तो उसने बोला ऐसे आपका ये जो dx विड्थ है ना, इस dx विड्थ को टेंडिंग टू जीरो कर दो आप। तो जो आपका एरिया आएगा वो मोस्ट एक्यूरेट एरिया आएगा, सही बात है। हाँ सर। हाँ सर। तो उसने बोला कि ये समेशन करना है और इसमें क्या करना है, आपको लिमिट लगा देनी है किस पे, dx approaches zero का, dx zero। अब जब ये कहानी हुई, जब आप ऐसा कर दोगे तो जो एरिया आएगा वो एरिया का अंडर द कर्व आ जाएगा, सही बात है गलत है? अब जब एक्सटेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा रेक्टेंगल नहीं हो जाएंगे इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएंगे, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, कंटीन्यूअस समीकरण बन जाएगा, सही बात है गलत बात? हाँ सर, कंटीन्यूअस बन जाएगा। हाँ सर, कंटीन्यूअस मतलब सर तो एफ एक्स को सबसे बड़ा होना पड़ेगा ना, कैसे रख थोड़ी आएगा कोई पतला, लंबा होगा पतला तो रहेगा ही।
बस वो तो जो लेंथ है वो तो x पे डिपेंड करेगा ना, अभी आप कौन सी x की वैल्यू ले रहे हैं उस पे y इक्वल। हां सर, मतलब f ऑफ x की वैल्यू हर x dx पे बढ़ती जाएगी ना? नहीं नहीं, f ऑफ x की वैल्यू तो आपका x एक्सिस के साथ चेंज हो रही है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, dx अपन हां मतलब x की वैल्यू भी बढ़ रही है हमें dx चेंज करना है, मतलब वो रेक्टेंगुलर बार्स का विड्थ चेंज करना है। हां, रेक्टेंगल की विड्थ को अपन को मिनिमाइज करना है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, जितना छोटा हो सके उतना। हाँ, जितना छोटा कर सकते हो उतना, तब हमारे पास बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएंगे और ये समेशन हो गया कॉन्टिन्यूस समेशन। इसलिए इस बार बार अपन ऐसा लिखने के बजाय न्यूटन ने बोला कि आप इसको ऐसे लिखो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, समझ में आ रही है बात? और ये बाद में जब समेशन जो है एस, इसको बहुत ज्यादा लोग यूज करने लग गए, तो ये बार 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 फिर ऐसे ऐसे करता करता इस तरह का शेप ले लिया इसने, और अभी ये स्टैंडर्ड साइन इसका यही बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, हाँ सर, आया ना? हाँ सर, समझा सर। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को भी फंक्शन का एक्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो उस एफ ऑफ एक्स वाले कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया देगा, सही बात है गलत बात? हाँ सर, उत्साहित मत होइए, आगे आएगा तो देखते रहिएगा कैसे कैसे हो रहे हैं सर। हाँ, वो सिंबल मतलब कंटिन्यूअस समेशन ना? हाँ, इस तरह का समेशन, इस तरह का सिंबल मतलब कंटिन्यूअस समेशन, सांप जैसा, मतलब इनफाइनाइट चलते जाएगा, ये समीशन चलता रहेगा, कहां तक अपन कर रहे हैं वो अपनी बात है, अपन को जनरल एक्स तक कर रहे हैं, ये एरिया कोई फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, ठीक है ना? dx जीरो है नहीं बेटा, टेंडिंग टू जीरो है, वेरी क्लोज टू जीरो है, एक्चुअली इक्वलिटी साइन थोड़ी लगाया मैंने, ऐसे थोड़ी लिखा dx इक्वल टू जीरो, ये बात गलत है, dx टेंडिंग टू जीरो मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, समझ में आ रही है? नहीं, यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है ना, जब अपन, मैंने ये बताया था, उसी को लेकर तो कैलकुलेशन करना है, कंसर्न्ड है अपन उसी को लेकर, तो जीरो नहीं बोल सकते, बस ये कहना चाह रहा हूँ, जीरो नहीं बोल सकते, वो बहुत नहीं सर, वो नहीं बोल रहा सर, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि dx तो कहा गया कि as it approaches zero कहा गया है, तो जो डिफरेंस रहेगा एरियाज में उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, एरियाज में डिफरेंस आएगा ही नहीं ना, फिर dx टेंडिंग टू जीरो होगा तो एरिया लगभग एक्यूरेट ही रहेगा ना, ये बोल रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है ना, dx टेंडिंग टू जीरो बोल दिया इसका मतलब एरिया एक्यूरेट ही आएगा, राइट, ऊपर स्पेस बचेगा ही नहीं। यस सर, तो ये जो हमारे पास आया इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, स्क्रीन शेयरिंग है, शेयरिंग बंद हो गया, विंडो इज क्लोज्ड, क्या विंडो क्लोज हो गई, अपने आप बंद हो गया सर, अपने अपना वो नोटपैड वाला जो एप्लीकेशन था उसको क्लोज कर दिया, बंद है, आगे चलें। हाँ सर, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है, देखिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमने x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, लेट अस सपोज हमारे पास फंक्शन था x क्यूब, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो f डैश x आया 3x स्क्वायर, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं
x square dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आंसर आएगा x square. तो x cube है, right? ये पहली बात होगी. दूसरी बात ये होगी कि एक बंदे ने बोला कि सर मैं फंक्शन ले लेता हूँ x cube plus 5 और इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये आएगा 3x square, right? तो अगर मैं ये बोलूँ 3x square का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे अनुसार आंसर आना चाहिए x cube plus 5, right? सर, 3x पर तो बंदा सही है, पहले वाला या दूसरे वाला? सर दोनों ही सही है, शायद दोनों ही सही है, सर दोनों ही सही है. दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग सही आंसर बताया. अब देखिए ये 5 है सर, लेकिन सेकंड में सुनो. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं बोल रहा था कि सेकंड में अगर अगर 3x स्क्वायर क्वेश्चन दिया है उसको इंटीग्रेट करना है तो हमें पता नहीं है ना 5 है कि नहीं वहां पर. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वहां पे पता नहीं है. तो अगर कोई भी बंदा है, एक बार पहले मेरी बात को सुनो, कि कोई भी बंदा है वो तो फिर इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगेगा पहले फिर अपने से कि बताओ आपने पहले किसको डिफरेंशिएट किया है, तो फिर इंटीग्रेशन वही होगा. तो जब अपने उसको इंफॉर्मेशन दे ही देंगे तो फिर क्वेश्चन पूछने का फायदा क्या होगा, राइट? इसलिए अगर यहाँ पे 5 की जगह और कांस्टेंट होता, 10 होता, 11 होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर वो कॉन्स्टेंट आता, एक्स क्यू प्लस 10 आता, एक्स क्यू प्लस 11 आता, राइट? तो कुछ भी कांस्टेंट. हाँ सर. तो इसमें अपन ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट 0 था इसलिए आंसर में यहाँ पे प्लस 0 आया है. सही बात है, गलत बात? हाँ सर मान सकते हैं. इसलिए अपन कोई इंटीग्रेशन को ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे कि इसके साथ कुछ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है रिजल्ट में. समझ में आ रही है बात? इसलिए हम जब भी बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर कितना है तो हम हमेशा ये बोलेंगे कि ये x क्यूब प्लस एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है इसके साथ, ठीक है ना बेटा? हाँ सर. हाँ सर. तकलीफ है? तो दिस इज द आंसर ऑफ 3x2 dx. आप c की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, वो सब इसके आंसर में वैलिड पॉइंट होंगे. सही बात है, गलत बात? सर मतलब प्लस c ऐड कर देने का. हाँ प्लस c ऐड करके लिखने का. c मतलब कांस्टेंट होगा ना? हाँ c मतलब एनी कांस्टेंट, राइट? हाँ सर. सर एक सेकंड सर, वो पीछे वाला दिखा दीजिए ना, मिल लिखा नहीं था. ये ज्यादा बेटर है क्या वो जूम वाले व्हाइट बोर्ड से? हाँ सर ये ऑब्वियसली बेटर है. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर बेटर है. ब्लैक वाला बेटर रहता है. हाँ. एडीएस सर का भी ऐसा ही रहता है कुछ. हाँ सर. एडीएस सर उसमें बैकग्राउंड भी रहता है, उसके ऊपर लिखा ना. मैं मुझे एक स्टूडेंट ने ही सजेस्ट किया था एक्चुअली कि सर आप ये वाली ऐप से पढ़ाया करें. फिर मैंने इसको डाउनलोड किया तो काफ़ी देर तक ये चली नहीं, फिर काफ़ी सारे मत्था पिचाई करी इसमें, इसका इंस्टॉलर नहीं मिला, फिर इसका इंस्टॉलर डाउनलोड किया कहीं से ढूंढ के, फिर चला के देखा. सर ये बेटर है लेकिन. हाँ बेटर तो है. बेटर. नाम क्या? ये ओपन बोर्ड नाम है ना इसका, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे ओपन बोर्ड. डन सर. चले चलिए आगे चलते हैं. तो आप कोई भी इंटीग्रेशन मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं किसी का डिफरेंशिएशन बोलता हूँ आपको, लेट अस सपोज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन हो गया है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x, राइट? 2x. हाँ सर.
तो अगर मैं ये बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x dx सर, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस c प्लस c राइट ये आएगा। तो अभी आप इस तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूं इस हिसाब से कि x की पावर n फर्स्ट वाला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx राइट। हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना आएगा बताइए। सर x की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हाँ प्लस c राइट सी तो लगाने हैं। हाँ प्लस c मतलब फॉर्मूला में प्लस c लगा देना है ना। हाँ प्लस सी अपने को लगाना ही है। तो इसमें एक बात और ध्यान रखो कि ये वैलिड तभी है अपॉन एन प्लस वन क्यों हुआ क्योंकि देखिए आप इसका डिफरेंशिएट करके देखिए उल्टा एन प्लस वन आगे आएगा ऊपर एन आ जाएगा है ना। एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल होना चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर में एन प्लस वन होगा तभी तो एन प्लस वन कैंसिल होगा क्योंकि इसका रिजल्ट डिफरेंशिएशन से एक्स की पावर एन आना चाहिए। हाँ सर समझा सर। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब n की वैल्यू माइनस वन ना हो। आया ना? हाँ सर, क्योंकि माइनस वन होगा तो जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाय जीरो करने से जीरो आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो तो डिफाइंड ही नहीं है। हाँ सर। तो फिर अगर सर x की वैल्यू माइनस वन आ गई तो इंटीग्रेशन क्या होगा? सर तो x रेस टू जीरो बाय जीरो जाएगा और किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड होएगा। बेटा आप भूल गए हो, 1 बाय x किसका इंटीग्रल डिफरेंशिएशन होता है? अच्छा सर ln x ln x ln x का होता है बस ये इसका इंटीग्रेशन ln x + c। देखो ऊपर वाला इंटीग्रेशन केवल x की पावर माइनस वन के लिए नहीं वैलिड है, बाकी सब के लिए वैलिड है राइट। अच्छा मतलब ये फॉर्मूला नहीं रहेगा लेकिन माइनस वन पे डिफाइंड तो है। क्या माइनस वन के लिए ये डिफाइंड हो गया ना? हाँ सर। सर मतलब ये नीचे वाला माइनस वन के लिए और ऊपर वाला बाकी सब के लिए? सब के लिए ठीक है। अब आगे चलते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था सर? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? तुम लोगों ने खुद ने बताया इसलिए कभी भूलना मत ठीक है। हाँ सर। अब इस बात में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ना साइन एक्स का तो प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स, ध्यान रखना ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है सर? साइन एक्स का। सर साइन एक्स, साइन एक्स का, साइन एक्स प्लस सी होगा। सेकंड स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? टैन एक्स का, टैन रूट ऑफ, हाँ टैन एक्स स्क्वायर, टैन एक्स, ठीक है। sec x tan x किसका किसका डिफरेंशिएशन होता है? sec x का होता है, sec x + c होगा। cos x / x किसका डिफरेंशिएशन होता है सर? माइनस cot x का। हाँ क्योंकि cot x का माइनस cos x / x होता है राइट। हाँ सर। हाँ सर। माइनस cot x + c होगा। और cosec x cot x का क्या होगा? सर माइनस cosec x, माइनस cosec x, ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ सर। आगे चलता हूँ, फिर बाकी वही रूल है। सर एक मिनट कॉपी कर देंगे। एक सेकंड सर, अभी लिखा नहीं है सर।
डन सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, यदि कोई कांस्टेंट को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके और फिर इंटीग्रेशन किया जाए, मतलब अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो आप जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर ले लेते होते थे और बाकी का डिफरेंशिएशन कर देते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर ले लेते करेंगे, ठीक है ना। अगला है, यदि कोई दो फंक्शन का सम या डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है, तो आप उनको अलग अलग उनका इंटीग्रेशन अलग अलग करके प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। हाँ सर, मतलब ये सब अलजेब्रा वाला पार्ट तो डिफरेंशिएशन जैसे ही, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है इसमें। तो f of x into g of x, उसका वैसे नहीं होगा कि पहले पहले का कर दो फिर दूसरे का। और पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है फिजिक्स में, तो आपको मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। क्या सर एक बार रिपीट कर सकते हो? वो प्रोडक्ट रूल और चेन रूल वगैरह। हाँ, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल और वो वाला था ना क्वोशेंट रूल वगैरह, वो फिजिक्स के सिलेबस हाँ, में है। वो अब हम यहाँ पे नहीं सिखाएंगे, ठीक है। ओके, आपको सर। मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा, है आपके सिलेबस में, मतलब आप मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में नहीं है, राइट? ओके सर। ओके सर। सिखाएंगे ना सर, मतलब बाद में? हाँ, मैथमेटिक्स में एडियो सर सिखाएंगे आपको, ठीक है? ठीक है सर। जब भी वहाँ वो इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, लेकिन वो शायद इंटीग्रेशन 12th में पढ़ाएंगे, हमें तो मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है भाई, कि ये मैथमेटिक्स वाले फैकल्टी तो हाँ, हम फिजिक्स के टीचर हैं, हमें तो मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यूज में आता है, और मैथमेटिक्स वाले टीचर जो है वो उसको 12th में पढ़ाते हैं, तो वो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, वो हमारे लिए थोड़ी ना पढ़ाएंगे। अगर वो पहले पढ़ा देते तो हम पढ़ाते नहीं इसको, हम सीधा फिजिक्स चालू करते। हाँ सर, अगर सिलेबस में पहले रहता था तो अलग से नहीं पढ़ना पड़ता ना, एक ही साथ में दोनों हो जाता, एक ही साथ में हो जाता। अभी उनको हमने रिलैक्स दे दिया है, अब उनको वो ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ाएंगे आपको, वो इसके आगे से चालू करेंगे, थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देंगे, है ना? हाँ सर। हाँ सर, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x²-2x+5। चलिए इससे पहले मैं एक बार छोटा क्वेश्चन ही दे देता हूँ मैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? सर एक बात कहना था इसमें, सर एक बात कहना था, एक बात सर ये है कि वो जो इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो उसमें वन है एक कांस्टेंट के हिसाब से, हाँ, तो वन को हम x⁻⁰ लिख सकते हैं, हाँ, तो फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं उसे, हाँ, तो x +1/0+1 तो x ही हो रहा है, obviously इंटीग्रेशन हाँ तो x ही आ रहा है, राइट? और वैसे भी छोटे छोटे dx dx को जोड़ रहे हो आप, तो मिला के x देगा, हाँ सर, तो सीधा सीधा x ही आएगा ना, ठीक है, क्योंकि टोटल x एक्सिस का वो चाहिए, हाँ सर, x एक्सिस के अलावा छोटे छोटे dx को जोड़ रहे, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है भाई, प्लस c तो अपन लगाते ही हैं सबके आगे, ठीक है? हाँ सर। चलिए अगला करिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स,
डीएक्स, फटाफट मेरे को आंसर बताइए ठीक है। सर एक्स पावर थ्री बाई टू बाई ना टू एक्स पावर थ्री बाई टू बाई थ्री प्लस सी, टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू राइट, थ्री बाई टू प्लस सी। सर टू बाई थ्री कैसे मतलब एक्स की पावर वन बाई टू होगा ना, हाफ प्लस वन अपॉन में हाफ प्लस वन। सर वो नीचे थ्री बाई टू आएगा तो फिर टू बाई इनवर्स हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा टू बाई थ्री बन जाएगा और एक्स की पावर थ्री बाई टू है, सही बात है उधर। हाँ सर, हाँ सर, आगे चलो। टू बाई थ्री कैसे आया बाय थ्री, ये थ्री बाई टू को लिख दिया आपने टू बाई थ्री, मल्टीप्लाई में लिखोगे तो टू बाई थ्री लिखोगे, क्या चाहते हो समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो बताइए। सर फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, ये आंसर ये है, ये x की पावर 1 बाई टू है ना बेटा, ये x की पावर 1 बाई टू है, x की पावर 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन में 1 बाई टू प्लस 1, एज इट इज ऐसे किया आपने ठीक है, x की पावर 1 बाई टू प्लस 1 फॉर्मूला लगा के अपॉन में 1 बाई टू प्लस 1, तो ये ऊपर आ गया x की पावर 3 बाई टू और नीचे आ गया x 3 बाई टू, तो इस 3 बाई टू को जब वापस ऊपर ले जाके लिखेंगे इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2 बाई थ्री हो जाएगा ना, इनवर्स हो जाता है ना ये चीज, ऊपर ऊपर तो थ्री बाई टू ही आएगा ना, ये तो पावर है, ये टू बाई थ्री नहीं होगी, ये ऊपर तो थ्री बाई टू ही आएगा ठीक है। अभी भी डाउट है कुछ? नहीं सर, आगे चलते हैं, अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कर लोगे ना इस तरीके से। वो जो दूसरा समय वो नहीं समझा, ये वाला यस सर, कौन से वाला? नहीं नहीं दूसरा वाला, येलो वाला जिसमें येलो वाला। तो इसको तो मैं दो बार समझा चुका हूँ यहाँ पे और फिर यहाँ पे, अभी भी नहीं समझे क्या? हट गया था मीटिंग, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए तीसरी बार बता देता हूँ, ये एक्स की पावर वन बाई टू थी, रूट एक्स का पूछा था आपसे, तो एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि एक्स की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन कीजिए ठीक है। यस सर, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन अभी अभी बताया था कितना होता है, थोड़ी देर पहले बताया था ना सर, एक्स रेस टू, सर एक्स रेस टू एन, सर एक्स रेस टू वन प्लस एन, ये देखिए अपॉन, डाउट है उसको बोलने दीजिए बेटा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बताया था ना? Yes, sir. तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 है और n की जगह अब कौन है, 1 बाई टू है ना, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन में 1 बाई टू प्लस 1, सही बात है गलत बात? Yes, sir. बोलते रहो भाई। Yes, sir, आवाज आ रही है। हाँ, प्लस सी भी, प्लस सी लिख देंगे, वो तो लिख होगा, एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन कितना होता है, थ्री बाई टू, और नीचे भी वन बाई टू प्लस वन डिनोमिनेटर में तो वो भी थ्री बाई टू ठीक है ना, प्लस सी, तो नीचे वाले थ्री बाई टू को जब अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बाई थ्री लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? हाँ सर, यस सर, बस यही चीज समझाई है दो बार पहले और यही अब समझाया, अब आया समझ में तुम्हें? यस सर, थैंक यू सर, ओके, आगे चलें भाई। हाँ सर, हाँ सर, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ जैसे फंक्शन 5 dx पूछ लिया आपसे,
फाइव डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? वन सर फाइव एक्स आएगा ना, फाइव एक्स प्लस सी। हाँ फाइव एक्स प्लस सी आएगा सर। ये कांस्टेंट है ना एक्चुअली, ये एक्चुअली फंक्शन इस तरीके से आप इसको थोड़ा ढंग से पहचानिए, 5 इनटू x की पावर 0 dx। हाँ सर 5 इनटू 1 है ना यहाँ पे। हाँ सर समझा सर। कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है कोई फंक्शन को, तो कांस्टेंट को अलग से बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा प्लस c, राइट। हाँ सर। और सर 5 भी तभी होता ना जब हम लोग 5x को डिफरेंशिएट करते हैं। 5x आएगा सर, 5x प्लस c। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, 5x को डिफरेंशिएट करते हैं तब भी तो 5 आता है ना आंसर, 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा, राइट। हाँ सर। हाँ सर ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपने को इस तरीके से कॉम्बिनेशन में दे दिया तो x2 - 2x + 5 dx, सर हर एक इंडिविजुअल टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे पहले। हाँ क्योंकि ये सम और डिफरेंस दे रखा ना दो फंक्शन का, अभी अभी बताया था आप लोगों को, ये देखिए। हाँ हाँ सर, इसमें हाँ इस दर तक को सही है, नहीं सम या डिफरेंस दे रखा तो उनको अलग अलग से इंटीग्रेट करके सम डिफरेंस कर ले सकते हो, राइट। हाँ सर। हाँ सर, तो ये फंक्शंस हैं अलग अलग, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का अलग से माइनस टू एक्स का अलग। सर फाइव को छोड़ देंगे ना? क्यों, फाइव फंक्शन में नहीं आएगा क्या? फाइव डी एक्स अभी अभी तो किया है। हाँ सर राइट। एक्स स्क्वायर का कितना होगा बताइए सर? एक्स रेस टू थ्री बाय थ्री, एक्स रेस टू थ्री बाय थ्री, एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स क्यूब बाय थ्री। आप चाहो तो इसके साथ सी लिख सकते हो, बट मैं क्या करूंगा ना कि सारे कांस्टेंट मिला के एक साथ ही लिख दूंगा, सभी कांस्टेंट का सम तो कोई कांस्टेंट ही होगा ना। एक इसका C1 आएगा, हां सर कांस्टेंट इस सीधा, एक इसका C2 आएगा, एक इसका C3 आएगा, इन सबको मिला के मैं लास्ट में C लिख सकता हूं। हां तो C1 का C2 का C3 सीधा C लिख सकते हैं। हां हां सर, इसमें ये कांस्टेंट है, सबको ब्रैकेट में डाल के C ऊपर बाहर ले लेंगे, और x का कितना आएगा? x की पावर 2/2 x2/2 आएगा, x2/2 ठीक है सर। तो वे 2 2 कैंसिल हो जाता है, बस 5 को बाहर ले लेंगे। हां सर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, हां सर 5x, और लास्ट में c लिख दूंगा, ठीक है बेटा। इसमें 2 से 2 कैंसिल। हां सर, तकलीफ है बेटा किसी को? समझा सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया इंटीग्रेशन समझा सर? हां जी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है सर। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बहुत कम आ रहा है सर। सर बहुत कम आ रहा है सर आवाज, अभी कैसा आ रहा है सर? कमी है। कमी है सर, थोड़ा कम है। शुरू से कम आ रहा है या अब कम आने लगा सर? अभी कम आने लगा सर, अभी कम आ रहा है सर। अभी कैसा आ रहा है सर? अभी तो और भी कम है सर, और कम। अब हाँ अभी थोड़ा ठीक हुआ। हाँ सर ठीक हुआ, थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ ना। हाँ सर। हाँ सर, अभी अगर कम आए तो बताना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। अभी अपन नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सीखने की चीज है इंटीग्रेशन में वो ये है, बाकी सब तो अपन को आता ही है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन जानते हो? हाँ सर, किसी एक वैल्यू को
किसी कॉम्प्लेक्स वाले को किसी एक टर्म से मान सकते हैं, उसके बाद में उसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी मतलब कोई एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह का जब भी इंटीग्रेशन आ जाए कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी गिवन हो, समझ में आ रही है बात? एक फंक्शन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन भी गिवन है, मतलब आपको ये पहचानना होता है कि किसका डिफरेंशिएशन गिवन है। इंटीग्रेशन में फंक्शन भी गिवन होता है, उसका डिफरेंशिएशन भी गिवन होता है। आपको ये पहचानना होता है कि किसका डिफरेंशिएशन गिवन है। जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज कॉल्ड इसको यू सब्स्टिट्यूट कर दो, समझे? हाँ सर। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ यू, इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू g dash x dx। ये बात तो बनी नहीं, ये बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन का वेरिएबल तो u हो गया, सॉरी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो तो x है और हमने यहाँ पे u बना दिया इसको, राइट? तो या तो सारी चीजें x में रहती या कुछ, इसलिए हम क्या करेंगे इस फंक्शन को u में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, u को g ऑफ x लिखा आपने तो du by dx क्या होगा, जी डे सेक्स होगा, राइट? हाँ सर। तो डी यू किसके बराबर हो जाएगा सर? जी डे सेक्स इनटू डी एफ। इस पूरे को अपन इसको डी यू से सब्स्टिट्यूट और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा एफ ऑफ यू डी यू। अब हमारे लिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा, राइट? हाँ सर। तो आपको क्या करना है, जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को नहीं जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है उसको यू पुट करना, राइट? हाँ सर। सर तो अगर मान लीजिए उधर जी डैश को यू लेते, एफ डैश एक्स दिया रहता तो हम लोग एफ डैश एक्स को यू मान लेते, कैसे? अगर जी डैश एक्स की जगह पर एफ डैश एक्स दिया रहता, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप, आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है? आगे चलो। सर समझा नहीं। हाँ सर। क्या नहीं समझा भाई? सर वो f f of u into g of x into dx वो वाला, इसको u माना, ठीक है? तो g of x की जगह u रख दिया तूने, ठीक है? बाकी टर्म एक बार एज इट इज ही रख दी मैंने। फिर मैंने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट किया, जिसको यू माना था ना इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, तो du by dx is equal to g dash x, सुन रहा है? हाँ सर समझा। तो du is equal to g dash x dx, तो जिसको तूने पहले एज इट इज रखा था अब उसको du रख सकता है ना? हाँ सर। तो du के डिफरेंस, बस अब समझा? हाँ सर। चलो आगे चलता हूँ, देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसको। टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन करना है, कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या इसमें? हाँ सर। तो नहीं, ये तो डिफरेंशिएशन है, किसका है? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को पुट करो यू, राइट? तो डी यू बाई डी एक्स 2x आ रहा है, 2x आ रहा है। तो du किसके बराबर है? 2x dx, 2x into dx। अब हमारे पास, हाँ सर 2x dx क्या हो गया, 2x dx सर, sin x
सर साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, साइन यू डी यू हो गया, साइन यू डी यू हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू डी यू हो गया, क्योंकि 2x dx. हां सर, और साइन का रहता माइनस कॉस एक्स, माइनस का कॉस यू हो गया ये प्लस सी. हां सर, तो माइनस का कॉस ऑफ यू कौन था, मतलब यू एक्स स्क्वायर आ गया राइट. हां सर, हां सर अभी समझा सर, समझा समझ गए ना, जिसको भी डाउट डाउट था. अच्छा, इसमें कई बार टू नहीं गिवन होता है, वैसे भी देता है इस क्वेश्चन को. टू नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है हमें पता है ना कि एक्स के साथ टू एक्स सर सी ले लेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो. अब हमारे काम का कौन है, हमारे काम का न्यूमिनेटर वाला टू है, क्योंकि इसको आना है डिफरेंशिएशन में राइट. डिनोमिनेटर वाला फालतू है ना, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले, डिनोमिनेटर वाले को इंटीग्रेशन से बाहर ले, कांस्टेंट के हिसाब से बाहर ले लेंगे. हाँ, क्योंकि वो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर वाला, कांस्टेंट को अपन बाहर ले सकते हैं, हम चाहें उस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, हम ऊपर वाले को नहीं चाहते बाहर लेना राइट. हाँ सर, अब इसका इंटीग्रेशन पता ही है, इस पूरी चीज का अभी अभी किया ही है अपन ने, ठीक है ना, ये हो गया. तो बस इसके आगे कॉन्स्टेंट रहेगा एज ए पीज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाय 2 कोस ऑफ एक्स सर, तो हाफ इनटू कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आंसर आ गया. अगर कांस्टेंट की कमी पड़े डिफरेंशिएशन में तो उस कांस्टेंट को आप मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है राइट. ओके सर, ठीक है बेटा सर, तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. आप ना करो चेंज, आप अपने आप वैसे ही मान लो कि आप अगर लेटर्स को आप चेंज नहीं करना चाहते, मैं सर टू से मल्टीप्लाई क्यों करूं, मेरे दिमाग में नहीं आएगा. तो मैं बोल रहा हूं कि यार तुम एक काम कर, इसको यूज कर, तो मान ही सकता है ना कि डी ओ बाई डी एक्स करेगा टू एक्स आएगा. अब तेरे पास है क्या, तेरे पास है एक्स डी एक्स, तो तू एक काम कर एक्स डी एक्स को क्या प्रूव कर सकता है सर, डी यू बाई टू, टू डी बाई टू, डी यू बाई टू, सॉरी आप कैसे भी कर लो ना, ठीक है, इससे बढ़िया पहले से बना लो ताकि आपने को टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है किसको क्या पुट करूं. बस सीधा सीधा है कि बस इसका डिफरेंशिएशन बनाना है अपने को राइट, इसका डिफरेंशिएशन बनाना है तो 2x होगा, आप डीपीपी नंबर 1 कर लीजिएगा होमवर्क में. ओके सर, नंबर A1, ठीक है, ये होमवर्क आपके लिए. ओके सर, बाय सर. ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर. Bye, thank you.